जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों अभी इस समय जो है मैं रामबाड़ा में हूँ और ये रामबाड़ा के पुल से आप व्यू देख रहे हैं। इस समय आज 8 अक्टूबर का दिन है और मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ बाबा केदारनाथ धाम के नज़ारे और कैसा इस समय मौसम है, क्या बर्फबारी ऊपर स्टार्ट हो चुकी है बाबा केदार में और कितनी भीड़ है इस समय और कैसे दर्शन हो रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ मैं। दोस्तों ये व्यू आप देखिए कि रामबाड़ा के व्यू है। रामबाड़ा का ये आप सेकंड पुल देख रहे हैं, एक बड़ा पुल है जो कि रामबाड़ा एंट्री से पहले ही आप छोटी लिंचोली की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ आगे जाकर जो है दूसरा पुल आता है। इस पुल से आप बाबा केदार के धाम जाते हैं। हालांकि ये जो सेकंड रूट है ये थोड़ा सा टफ है, काफ़ी जो है बड़ी चढ़ाई से रास्ते पे आपको देखने को मिलने वाली है। और जो नया पुल बना है जो कि स्पेशली घोड़े कुचर वालों के लिए है या मशीनरी ले जाने वाले ट्रैक्टर जो है लोडिंग वाले जितने व्हीकल हैं वो सारे चीज़ें वहाँ से ही जाती हैं। और ये पैदल पुल है रामबाड़ा का, आप व्यू देख रहे हैं आज का और आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ बाबा धाम से मैं आज शाम को। हो सकता है बाबा के धाम हम शाम तक पहुँच जाएँ और वहाँ जाके आपको लाइव आरती दिखाएं और रात को वहीं रुकने वाले हैं हम केदार में। आप सब भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी वहाँ की और सुंदर दर्शन मैं कराने वाला हूँ। और चलते हैं हम आगे रामबाड़ा से छोटी लिंचोली की ओर। सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमने कल शाम के समय ट्रैक किया था तो हम चलते चलते जो है पहुँचे थे रामबाड़ा तक। रामबाड़ा में हमने नाइट स्टे कर लिया और अब यहाँ से आगे का अपना जो सफ़र है वो हम बाबा के धाम के लिए शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको सुंदर व्यूज़।